पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन अपवर्ड फोर्स ये भी है टी वाई और ये भी है टी वाई, तो इसलिए अपवर्ड फोर्स की जगह एक टी वाई प्लस इसके साथ दूसरा टी वाई, ये दोनों टी वाई अपवर्ड है, इट इज इक्वल और डाउनवर्ड फोर्स तो वेट है, तो हम सिर्फ वेट लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करोगे तो टी वाई प्लस टी वाई इज इक्वल टू डबल ऑफ टी वाई, इट इज इक्वल टू वेट। फर्दर में आप इसको ऑपरेट कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि सर 2 की जगह 2 बट टी वाई इज टी साइन ऑफ थीटा एंड इट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट एम जी के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या पुट करेंगे, कहीं सर टी मालूम करना है अकेला छोड़ दें तो टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। अब तो प्योर वैल्यूज है, मास की वैल्यू है 1.48, जी की वैल्यू है 9.8, 2 की जगह 2 और साइन की जगह साइन और एंगल की जगह है 3.54, कैलकुलेटर के बगैर नहीं होता, पहले इसको कैलकुलेटर से मालूम करें, इसे मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें और आखिर में आपको टेंशन की वैल्यू मिलेगी 148 न्यूटन। 148 न्यूटन के करीब करीब आपका आंसर आएगा। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको कंपोनेंट्स दिए हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए में कहा गया है कि अगर एक वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन हो, और वो एक्स और वाई कंपोनेंट जो गिवन है हमारे स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट है -2.3 और वाई कंपोनेंट है +3. इसका वाई कंपोनेंट है +4.1, तो आप बता दें इधर भी x कंपोनेंट गिवन है तो x कंपोनेंट है +3.9 और y कंपोनेंट गिवन है -1.8, तो आपसे कह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा करें कि आप इन वेक्टर की वैल्यू मालूम करें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम करें और डायरेक्शन भी मालूम करें, इधर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम करें और डायरेक्शन भी मालूम करें, दोनों पार्ट्स में सेम केस है। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड के लिए तो बहुत आसान तरीका है कि a is equal to x component का स्क्वायर plus y component का स्क्वायर, इधर भी ये होगा कि a is equal to under root x component का स्क्वायर plus y component का स्क्वायर, तो ये होगा जनाब x component और y component के स्क्वायर से मालूम करें, इसमें वैल्यूज पुट करें आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इधर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर वैल्यूज पुट करें आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इधर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन के लिए आप पहले ये डिसाइड करें कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आप देखो तो x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, और जब y कंपोनेंट पॉजिटिव और x कंपोनेंट नेगेटिव तो ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन का फार्मूला है, डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ay डिवाइड बाय ax। अब आपने क्या करना है, आपने ay की वैल्यू यहां से उठाकर इधर पुट करनी है, लेकिन सब वैल्यूज पॉजिटिव पुट करोगे, ऐसा ना हो कि आप इधर माइनस पुट कर लेना, इन फॉर्मूलों में माइनस पुट करने की इजाजत नहीं है डायरेक्शन के इक्वेशन में। ax की ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर लेना, ay की ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर लेना, टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर से मालूम कर लेना, 180 से माइनस कर लेना, ये आपका डायरेक्शन होगा। इधर भी डायरेक्शन के लिए पहले आपको क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के लिए देखो x कंपोनेंट इज पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट इज नेगेटिव, जब x पॉजिटिव y नेगेटिव तो दिस बिकम फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्शन का फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ay / ax, तो 360 तो फिक्स्ड है। अब इधर आप ay की वैल्यू पुट करें और ax की, लेकिन keep it in mind यहां वैल्यूज पुट करोगे लेकिन साइन पुट नहीं करोगे, ऐसा ना हो कि आप इधर ax या ay नेगेटिव पुट करो, इस फार्मूले में ऑलरेडी वो यूज हो चुके हैं, तो आप इधर सिर्फ वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर से ऑपरेट करें, आपको इन वेक्टर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आपको दो वेक्टर्स दिए हैं,
पहला वेक्टर फोर्स दिया है 10 डिग्री बनाता है। इस तरफ एक फोर्स है F जिसकी वैल्यू है 5.5 और इसका जो एंगल है वो है 10 डिग्री। फिर कहा कि इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी वैल्यू है जनाब 4.3, लेकिन इसका जो एंगल है यहां से यहां तक जो एंगल है वो 80 डिग्री है। आपसे कह रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी मालूम करें, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी मालूम करें और आप लोग इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी मालूम करें। तो हम जानते हैं कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में एंगल इस्तेमाल होता है बिटवीन वेक्टर्स। ये तो इसका अपना एंगल है, ये इसका अपना है, लेकिन डॉट और क्रॉस में तो इन दोनों के दरमियान वाला एंगल इस्तेमाल करना होगा। तो अगर इसका अपना एंगल 80 है, इसका 10 है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है, ये दरमियान वाला एंगल विल बी इक्वल टू 80 माइनस 10। इट मीन आपको फार्मूले में 70 डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी तो आसान है, ए डॉट बी का फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि इट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ए डॉट बी तो नहीं है, ए की जगह एफ है और बी की जगह आर है, तो ए की जगह आप कहोगे एफ डॉट आर और इधर भी कहोगे एफ आर कॉस ऑफ थीटा। तो एफ की जगह वैल्यू पुट करो 5.5 और आर की जगह वैल्यू पुट करो 4.3 और एंगल की जगह 70 डिग्री। इससे जो भी आंसर आएगा वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर होगा। अगर आप चाहते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ ए की जगह एफ आया है, बी की जगह आर आया है, तो एफ क्रॉस आर इज एफ आर साइन थीटा। सिर्फ वैल्यू पुट करें 5.5 और 4.3 और साइन ऑफ 70 डिग्री। इससे जो भी आंसर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट आंसर होगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका a डॉट b का मैग्नीट्यूड आता है 6√3 और उनसे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आता है सिर्फ 6, तो बताओ कि इनके दरमियान एंगल क्या होगा, इनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आसान है, a डॉट b और a क्रॉस b को एक दूसरे पर डिवाइड करें, इस डिवीजन से डिवाइडिंग a डॉट b और a क्रॉस b, या ऐसा करें कि आप इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें और कहें डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड करें a डॉट b मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6√3 बाय 6। 6 कैंसिल हो जाएगा, a डॉट b की जगह होता है ab cos ऑफ थीटा और a क्रॉस b होता है ab sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3। ab और ab कैंसिल और cos थीटा बाय sin थीटा को उल्टा करें, इसके नीचे 1 है तो ये बन जाएगा sin थीटा बाय cos ऑफ थीटा और ये 1 ओवर √3 बन जाएगा, लेकिन sin थीटा बाय cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू tangent थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर √3। थीटा जानने के लिए tangent उस तरफ ले जाएं तो tangent इनवर्स ऑफ 1 ओवर √3 और कैलकुलेटर से चेक करें इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 7 का आइडिया क्या है। इसमें कहा है कि एक रॉड है, ये है जनाब एक रॉड, ये एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई 1 मीटर है यानी ये 100 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक ये है 100 सेंटीमीटर। हुआ क्या है जनाब, इसके बिल्कुल सेंटर पर, सेंटर मीन के 50 सेंटीमीटर इस तरफ और 50 सेंटीमीटर इस तरफ, इसके सेंटर पर इसका अपना वजन लग रहा है 6 न्यूटन, अपना वेट लग रहा है 6 न्यूटन। इस तरफ आपने इसके साथ W1 लगाया है 10 न्यूटन और इधर इसके साथ आपने W2 लगाया है 15 न्यूटन, जबकि यहां पर एक फल्क्रम आपने रखा है और ये रॉड बैलेंस हो चुका है, यहां पर आपने इस रॉड को बैलेंस कर दिया है। हमें इस बैलेंस पॉइंट का पोजीशन बताना है, यहां से लेकर यहां तक ये ब्लैक से जो मैंने ड्रॉ किया ये पोजीशन आपके बुक ने मालूम करवाया है, यही पोजीशन हमें चाहिए। ये बैलेंस फल्क्रम का राइट साइड से बैलेंस फल्क्रम का पोजीशन क्या होगा हमें ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, मैं पहले आपको बता दूं कि जनाब यहां से लेकर यहां तक इसको आप x कह दो,
तो ये पोजीशन किसके बराबर होगा, जल्दी से सोचें। आप कहें सर यहां से यहां तक 50 है, कितना है 50 है, यहां से यहां तक 50 है। अगर आपने यहां से यहां तक लेना है पोजीशन, तो दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू 50 एक्स हटा दो, ये 50 लेकर इससे एक्स हटा दो, यानी पोजीशन इज 50 सेंटीमीटर माइनस एक्स, पोजीशन इज 50 सेंटीमीटर माइनस एक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको पोजीशन चाहिए तो आपको एक्स मालूम करना होगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, 50 सेंटीमीटर तो फिक्स है, बस ये 50 से ये एक्स हटा दो, आपको बैलेंस पॉइंट का पोजीशन राइट साइड से मिल जाएगा। लेफ्ट से भी बता सकते हो, सेंटर से भी बता सकते हो, लेकिन आपके बुक ने राइट साइड का आंसर दिया है इसलिए मैं राइट कर दे रहा हूं। एनीहाउ 50 माइनस एक्स इज आवर पोजीशन। एक्स मालूम करने का आसान तरीका है, अगर ये बैलेंस पॉइंट है तो आप गौर करें यहां पर जो वेट है ये कौन सा टार्क पैदा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वेट भी कौन सा टार्क पैदा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वेट टार्क पैदा कर रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन बैलेंस का मतलब होता है कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू टार्क क्लॉकवाइज, ये तो बराबर होने चाहिए। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में दो टार्क है, एक ये है और एक ये है, तो मैं कहूंगा कि एक टार्क 1 है जो W1 की जगह से है, और एक टार्क है जो W की वजह से है, और क्लॉकवाइज टार्क जो है वो टार्क 2 है जो कि W2 की वजह से है। W2 के टार्क को मैंने टार्क 2 कहा, W के टार्क को मैंने सिर्फ टार्क कहा, W1 के टार्क को टार्क 1 कहा। अब टार्क के वैल्यूज पुट करें, कोई भी टार्क होता है वो RF के बराबर है, तो R1F1 plus RF is equal to R2F2, सिंबल वही यूज करो सिमिलर। अब टार्क 1 में R1 है, R1 देखिए यहां से यहां तक है, मोमेंट आर्म यहां से ये फर्क लगेगा है यहां से यहां तक, तो देखो इसमें आता है x plus 50, यानी इस फोर्स का मोमेंट आर्म आता है x plus 50, तो इधर हम पुट करेंगे x plus 50, और साथ में F1 का किरदार निभा रहा है W1 plus R मोमेंट आर्म, तो यहां से यहां तक ये R का काम कर रहा है इसकी जगह x, और F का काम कर रहा है W, तो W is equal to R2 का काम कर रहा है माय डियर स्टूडेंट यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जो R2 की वैल्यू है ये हमारे पास बराबर आ रही है। देखो ये किसके बराबर आ रही है, 50 माइनस x के बराबर आ रही है, तो 50 माइनस x टाइम्स ऑफ व्हाट, 50 माइनस ये 50 माइनस x इसका मोमेंट आर्म है, और F2 का काम कर रहा है W2। अब आप इस पुट करेंगे इससे x मालूम करेंगे, देखो ये होगा W1 टाइम्स ऑफ x, W1 टाइम्स ऑफ x प्लस 50 ऑफ W1 प्लस W ऑफ x इज इक्वल टू 50 ऑफ W2 माइनस W2x। अब वैल्यूज बहुत से देखें, W1 की वैल्यू है, आप कहेंगे सर है मौजूद है, 50 वैल्यू है, यस ये तो वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, यस सर ये भी है, W की वैल्यू है, बिल्कुल ये भी है, और 50 वैल्यू है, W2 की भी वैल्यू है, W2 की वैल्यू है। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेना और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड आउट प्लीज, कैलकुलेटर यूज करें और इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स आपको मिल जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आती है तकरीबन मीटर में चेंज कर लेना या सेंटीमीटर में पुट कर लेना, ये 50 सेंटीमीटर है, तो आप इस 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर भी ले सकते हो, 50 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर। अगर आप आंसर मीटर में लेना चाहो तो इसको भी मीटर में ले लेना, इसको भी मीटर में ले लेना, और अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। इधर आंसर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आप सारे डेटा सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो इधर पुट कर लेना, इधर पुट करोगे पुट इट हियर, तो यू विल गेट द पोजीशन इज 0.42 मीटर, इतने मीटर के फासले पर है, यानी ये फल्क्रम इस पॉइंट से 0.42 मीटर के फासले पर है। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, I explained the idea and the steps of calculation, बाकी calculations आपके पास calculator होंगे, आपने तो calculate करने पड़ेंगे। Next question है question number 7. Question number 7 हम solve कर चुके हैं, question number 8 पे बात करूँगा, second last question, ये अच्छा question है, students में ज़्यादा confused होते हैं। ये question ये है कि first करो ये एक surface है, इस surface के साथ ये दीवार है, आपने यहाँ से यहाँ तक एक सीढ़ी रखी है, ladder रखी है,
इस रेडर का फुल साइड ये 4 मीटर है, तो इसका जो सेंटर होगा ये 2 होगा। यहाँ पर इस रेडर का अपना वेट लग रहा है और इस रेडर का अपना वेट जो है वो 120 न्यूटन है, ये 120 न्यूटन है। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 70 डिग्री है, जो गिवन है वही ले रहा हूँ। एनीहाउ ये जो साइड है ये मैं जिसे शेड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू गिवन है 4 sin of 70, 4 sin of 70। अगर आप सोचते हैं ये कैसे आती है, तो जरा गौर से देखिए, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। क्या इसका परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। परपेंडिकुलर हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह इन्होंने कहा है कि ये पूरा साइड 4 है, यहां से यहां तक 4 है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह 4 और साइन की जगह साइन और थीटा की जगह 70। तो ये साइड हमें गिवन है 4 sin 70, बातों से गिवन है। और ये जो साइड है जिसको मैं दोबारा शेड कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है 2 cos of 70। यहां से यहां तक ये 2 cos of 70 के बराबर है। भाई क्यों बराबर है? तो ये बेस है, आप देख रहे हो ये बेस है, और बेस होता है हाइपोटेन्यूज का थीटा, लेकिन इस बेस का हाइपोटेन्यूज यहां तक है। अगर फुल 4 है तो हाफ 2 होगा, तो ये 2 इसका हाइपोटेन्यूज आ रहा है और बेस है, तो इसमें cos और एंगल की जगह 70 आता है। तो आपको पहले से बता रहा हूं कि ये साइड 4 sin 70 कैसे हुआ, ये साइड 2 cos 70 कैसे हुआ, आपको मैंने पहले बता दिया। अब भाई मालूम क्या कर रहे हैं? मालूम ये कर रहे हैं कि यहां पर जो जमीन के साथ लेडर का बॉटम टच है, तो ये जमीन इस पर एक फोर्स लगा रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्राउंड। और हमें ये फोर्स ऑफ ग्राउंड मालूम करना है कि जमीन इस पर कितना फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्राउंड कितना होगा जमीन का। और यहां पर इस दीवार, ये दीवार की तरफ से इस लेडर पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ वॉल FW, फोर्स ऑफ वॉल, फोर्स ऑफ ग्राउंड FG, और वापसी का फोर्स लगता है फोर्स ऑफ वॉल, ये भी हमें मालूम करना है। ये दोनों फोर्सेस हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो पहले मैं फोर्स ऑफ ग्राउंड पे बात करूंगा, उसका क्या फोर्स ऑफ वॉल पहले मालूम कर लेता हूँ। फोर्स ऑफ वॉल मालूम करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर आप गौर से देखें तो यूं लगता है कि ये फोर्स ऑफ वॉल इस लेडर को इस तरफ घुमाना चाहता है और ये घुमाना एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन उसी वक्त अगर आप देखें तो लेडर का अपना वजन इसको इस तरफ घुमाना चाहता है और ये क्या है? क्लॉकवाइज। लेकिन लेडर तो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ने एक दूसरे को बैलेंस किया है। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, यही बात है। फिर हम क्या करें, कहें सर क्लॉकवाइज टॉर्क इज RF और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज RF, लेकिन ये RF एंटी क्लॉकवाइज के लिए और ये RF क्लॉकवाइज के लिए पुट करोगे। फर्दर हो, अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स का किरदार कौन निभा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स का किरदार तो फोर्स ऑफ वॉल निभा रहा है, तो इस